21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जगह जगह हुए आयोजनों में लोगों ने योगाभ्यास किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों में योग को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा गया। उसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रयागराज के सेंट्रल जेल के सभी अफसरों कर्मचारी ने यहां रखे गए बंदियों संग सामूहिक योग आसन किए। साथ ही बंदियों को बुरी आदतों को त्यागने का भी संकल्प दिलाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की थी, जो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज प्रयागराज केंद्रीय कारागार नैनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेल प्रशासन और कैदियों के साथ योगाभ्यास किया गया। नैनी जेल में बंद महिला पुरुष बंदियों और अधिकारियों को योग गुरु ने योग कराते हुए स्वास्थ्य संबंधी नियम भी बताए। प्रयागराज का यह सेंट्रल जेल अक्सर खबरों की सुर्खियों में बना रहता है। उत्तर प्रदेश में बंदियों के सुधारात्मक रवैये और अनुशासन को लेकर प्रयागराज नैनी जेल ने पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं जेल अधीक्षक के द्वारा बंदियों को योग का महत्व को समझाया गया और सेहत को स्वस्थ रखने के टिप्स भी दिए गए। उन्होंने कहा कि योग हमारी पुरानी संस्कृति है, जिससे व्यक्ति निरोग रहा करता था, इसलिए नियमित योग करें ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है और पूरे प्रदेश और देश में इसको पूरे उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ये भारतीय मनीषा की एक अद्भुत देन पूरे विश्व और हमारे समाज के लिए है। इसमें हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं होते हैं, बल्कि अपना आत्मिक और धार्मिक उन्नयन भी करते हैं। और इसको मनाने के लिए नित्य प्रति हमारे कारागार में योग के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज सामूहिक रूप से हुआ है। अन्यथा सभी बंदी अपने अपने चक्र में एक निर्धारित स्थान पर करीब 300 बंदी प्रतिदिन योग करते हैं। आज यहाँ पे सामूहिक रूप समूहबद्ध रूप से हम लोगों ने 200 लोगों यहाँ योग का प्रतिभाग किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के लोग भी प्रशिक्षण दे रहे थे पिछले 15 दिनों से, उनके गुरुजन भी शामिल थे और इसको हम लोगों ने अच्छे से मनाया है। चालीस चालीस बीस चालीस चालीस